दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले कि स्टॉक मार्केट क्रैश अगर होती है तो ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए। देखिए जब स्टॉक मार्केट क्रैश होती है तो सभी छोटी बड़ी अच्छी और बुरी कंपनियों के शेयर तेजी से कम होने लगते हैं और ऐसे में लोग काफी डर जाते हैं और डर के घटे हुए शेयर प्राइस पर ही अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री लगभग 400 साल पुरानी है और इन 400 सालों में सैकड़ों मार्केट क्रैश हो चुके हैं और ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट का क्रैश होना स्टॉक मार्केट की फितरत है। चाहे इकोनॉमी कितनी भी अच्छी चल रही या कंपनियां कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, स्टॉक मार्केट किसी न किसी वजह से क्रैश जरूर होता है और हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। दोस्तों मार्केट क्रैश होने की वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे जर्नल मार्केट ओवर वैल्यूएशन, टेक स्टॉक बबल, रियल एस्टेट बबल, कोविड-19 जैसा पैंडेमिक या फिर ग्लोबल वॉर। वजह चाहे जो भी हो पर सबका रिजल्ट एक ही होता है, स्टॉक मार्केट क्रैश। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को देखते हुए ये तो साफ है कि कोई भी इन्वेस्टर मार्केट क्रैश से नहीं बच सकता, पर मार्केट क्रैश होने पर हम कैसे बिहेव करते हैं वह डिसाइड करता है कि हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे या नहीं। दोस्तों ज्यादातर तो लोग मार्केट क्रैश सुनकर ही घबरा जाते हैं, उन्हें मार्केट क्रैश में सिर्फ लॉसेस दिखते हैं और वो चाहते हैं कि मार्केट क्रैश ना हो, पर जो ग्रेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते और यही कारण है कि जिस वजह से वो ग्रेट बनते हैं। सभी महान इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट, हार्वर्ड मार्क्स, सेथ कलरमैन, मुनीश पैबरा या रामदेव अग्रवाल मार्केट क्रैश को प्रॉब्लम नहीं बल्कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं, क्योंकि मार्केट क्रैश ही एक ऐसा वक्त होता है जब हमें अच्छी कंपनियों के शेयर्स बहुत कम प्राइस में मिल सकते हैं और सभी सफल इन्वेस्टर्स मार्केट क्रैश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि जब मार्केट क्रैश होने के बाद में रिकवर हो तो उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट हो। दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर ये सब बात ध्यान रखने वाली है कि किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस उस कंपनी के प्रॉफिट और कैश फ्लो को फॉलो करता है। अगर एक कंपनी साल दर साल अपना प्रॉफिट और कैश फ्लो तेजी से बढ़ा रही है तो उस कंपनी का शेयर प्राइस भी लॉन्ग टर्म में उतनी ही तेजी से ग्रो करेगा, पर जब मार्केट क्रैश होता है तो सभी कंपनियों के शेयर प्राइस कम हो जाते हैं और हमें एक अच्छी कंपनी के शेयर अपने सही वैल्यूएशन से काफी कम की प्राइस पर मिल जाते हैं और जब इन कंपनियों के शेयर प्राइस वापस से अपनी वैल्यूएशन पर आते हैं तब हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है क्योंकि हमने पहले इन कंपनियों के शेयर्स को इनके सही वैल्यूएशन से कम के प्राइस पर बाय किया था। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि हमने मार्केट क्रैश के पहले ही अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो और जब मार्केट क्रैश हो तो हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ना बचाओ। ऐसे में अगर हमें कोई कंपनी मिले जो हमारे पोर्टफोलियो में पहले से मौजूद किसी कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट दे सकती हो तो हम अपने पोर्टफोलियो से उन कंपनी के शेयर्स को बेचकर नई कंपनियों के शेयर्स को बाय कर सकते हैं। दोस्तों अच्छी कंपनियों के शेयर प्राइस मार्केट क्रैश के वक्त जितनी तेजी से नीचे जाते हैं वे मार्केट के रिकवर होने पर उतनी ही तेजी से ऊपर भी आते हैं, वहीं वीक और लॉस बनाने वाली कंपनियों के शेयर प्राइस हो सकता है कि वापस ऊपर ना आए और इसलिए मार्केट क्रैश के टाइम ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाए। दोस्तों मार्केट क्रैश में हमें चार बातें याद रखनी है। पहला, मार्केट क्रैश एक खतरा नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है जब हम अच्छी कंपनियों को काफी सस्ते वैल्यूएशन पर बाय कर सकते हैं जिससे हमें मार्केट के रिकवर होने पर काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा यह कि मार्केट क्रैश हमेशा से होते आए हैं और हमेशा होते रहेंगे, हम चाह कर भी इससे बच नहीं सकते। तीसरा, हमें स्टॉक मार्केट में कैसे रिटर्न बनाना है यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हम मार्केट क्रैश के वक्त क्या करते हैं। क्या हम डर कर अपने शेयर्स को सेल कर देते हैं या उस वक्त अच्छी कंपनियों के शेयर्स को बाय करते हैं। दोस्तों वॉरेन बफेट ने कहा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर अमीर बनना बहुत आसान है। वह कहते हैं कि बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी, यानी कि जब सब लोग डर कर सेल कर रहे हो और मार्केट नीचे जा रहा हो तब हमें बाय करना चाहिए, और जब सब लोग लालच में कोई भी शेयर बिना सोचे समझे बाय कर रहे हो और मार्केट बहुत ऊपर जा रहा हो तब हमें सेल कर देना चाहिए। और चौथा, मार्केट क्रैश में लगभग सभी कंपनियों के शेयर प्राइस क्रैश होते हैं और अच्छी कंपनी के शेयर प्राइस मार्केट क्रैश रिकवर होने पर ऊपर आते हैं और वीक और लॉस मेकिंग कंपनियों के शेयर प्राइस हो सकता है कि कभी वापस ऊपर ना आए, इसीलिए हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ अच्छी और स्ट्रांग कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।